राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आज की हमारी कहानी का नाम है कदरे क्या बहू तुम्हें हर समय माइके जाने की पड़ी रहती है अभी कुछ महीना पहले ही तो तुम अपनी मौसी की बेटी की शादी में अपने सब मायके वालों से मिलकर आई हो अब क्या करना है वहाँ जाकर वैसे भी तुम्हारे माइके वालों के पास कोई खजाना तो है नहीं जो तुम्हें बार बार निकाल कर दे दे सुषमा जी के कटु शब्दों ने एक बार फिर से कृति की आंखों में आंसू ला दिए माँ जी मैं तीन सालों में एक दिन के लिए भी अपने मायके रहने नहीं गई हूँ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है वो मुझे बार बार बुला रही है दीदी तो इसी शहर में रहती है कुछ दिनों बाद भी आ सकती है रहने लेकिन बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं नहीं जा पाऊंगी तुम मेरी बेटी से बराबरी क्यों कर रही हो अपनी बेटी की शादी मैंने इसी शहर के बड़े पैसे वाले परिवार में की थी जिससे उसे कभी कोई परेशानी ना हो अरे तुम्हारे घर वालों ने न तो शादी में कोई का खर्चा किया और न ही शादी के बाद कुछ दिया ननद के जाने के बाद देख लेना मिल लेना दो दिन के लिए अपनी माँ से कृति बहुत अच्छे से जानती है कि ननद जी तो आती ही है कि पूरी गर्मियों की छुट्टियां यहीं पे बिताने और स्कूल खुलने के दो दिन पहले ही वापस जाती है हर बार सासू माँ के इन्हीं सब तानों और कट्टू शब्दों के कारण वो खामोश रह जाती है लेकिन इस बार मन बहुत बेचैन है क्योंकि पिछले साल से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है वो भी बार बार कृति और बच्चों को याद करती रहती है कृति ने सोचा कि शाम को रोहन से इस बारे में बात करेगी और ज्यादा नहीं तो हफ्ते भर का प्लान ही कर लेगी अब शाम को रोहन प्लीज दीदी से बात करो कि वो यहाँ दस दिन बाद आ जाए मुझे मम्मी के घर जाना है कृति कैसी बात करती हो मैं दीदी से कहूँगा कि वो अपने ही घर पूछ कर आए तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ तुम्हें यहाँ कौन रोक रहा है रोहित की बात से कृति खामोश रह गई। वैसे तो रोहन अच्छे से जानता है कि अगर कृति चली गई तो उसकी माँ और बहन मिलकर सिर्फ इसी घर में नहीं बल्कि कृति के मायके में भी सबका जीना दुस्वार कर देगी फिर भी अपना पल्ला झारने को वो ये सब बोल कर निकल गया दोनों बच्चों ने कृति और रोहन की बातें सुन ली और मारे खुशी के झूम उठे वाव हम नानी के घर जाएंगे कितनी सारी मस्ती करेंगे रोज मामा जी के साथ बाजार घूमेंगे मामी जी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी हमारे साथ लूडो और कैरम खेलेंगी नानी जी रोज रात को हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी मम्मा इस बार भी हम छत पे पानी डालकर ठंडा करेंगे फिर वहीं पे स्टार गिनते हुए सोएंगे मम्मा इस बार आइसक्रीम पार्टी के लिए आप हमें माना नहीं करोगी हम रोज वहां पे मामी जी की बनाई हुई आइसक्रीम खाएंगे बच्चे अपनी धुन में अपने प्लान तैयार कर रहे थे और कृति गुमसुम से बस अपनी माँ का उदास चेहरा याद कर रही थी अगले दिन सुबह सुबह अरे ऐसे कैसे तू नहीं आएगी अरे अपनी ननद को बोल पहले की तरह तेरे जेठ के यहाँ रहने जाए या तो ऐसा कर इंतजार ही मत कर सामान बांध और आज शाम को ही आजा दरवाजे पर चाय का कप लिए खरी कृति को सासू माँ की बातों से समझ में आ गया कि वो ननद जी से बात कर रही है और शायद उनका गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आने का प्लान कुछ बदल रहा है कृति ने मन में छोटे छोटे लड्डू फोड़ने शुरू कर दिए सासू माँ के फोन रखते ही वो कमरे के अंदर गई माजी दीदी शाम तक आ जाएंगी ना तो आप मुझे सामान की लिस्ट बना दीजिए बच्चों के लिए क्या क्या लेना है और दीदी की पसंद का क्या क्या खाना बनाना है सब मुझे बता दीजिए मैं सब तैयारी कर लेती हूँ कृति के मन में चल रहा था अब सीधे सीधे सासू माँ से कैसे पूछे कि दीदी नहीं आ रही हैं क्या नहीं बहू वो इस बार नहीं आ पाएगी उनकी दोनों ननदे इस बार अपने बड़े भैया के घर नहीं अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपने छोटे भाई के घर बिताएंगी कृति का मन खुशी से नाच उठा लेकिन सासू माँ के उदास और दुखी देखकर उसने भी थोड़ा दुखी जताया अरे मम्मी जी ऐसे कैसे आप दीदी को बोलो कुछ दिनों के लिए आ जाए बच्चे भी अपनी बुआ को कितना मिस कर रहे हैं तो सासू माँ बोली अब क्या ही बताऊ मेरी प्यारी बेटी को कुछ दिन मायके में आकर जो आराम मिल जाता था वरना तो वो पूरा टाइम अपने घर और बच्चों में ही खड़ती रहती है उसकी नंदो का भी दिमाग खराब हो गया है क्या शर्म लिहाज तो कुछ बचा ही नहीं है ऐसे कैसे कोई अपनी भाभी को परेशान करता है अरे दोनों सारा दिन बिस्तर पर बैठकर हुकुम चलाती रहती है बस अरे मायके आकर तो जैसे महारानिया ही बन जाती है कृति अपने ही मन में सोच रही थी कि सासू माँ आज लाख टके की एक एक बात कह रही है इसकी ननद यहाँ आकर यही सब तो करती है सासू माँ ये कैसे भूल गई कि उन्हीं की तरह किसी और माँ का दिल जलता होगा जब उनकी बेटी उनसे मिलने नहीं जा पाती है खैर छोरो आज ये बात तो सच हो गई कि ननद भी कभी भाभी तो बनेगी कृति रसोई में गुनगुना रही थी क्योंकि ननद भी कभी भाभी है फिर ख्याल आने पर कि अरे नहीं मुझे तो परेशान रहना है खुश नहीं होना है कहीं मेरी खुशी को मेरी ही नजर न लग जाए कृति अपने मन में मायके जाने के सपने बुन रही थी लेकिन उधर बच्चों ने जाकर दादी के मुंह पर बम फोड़ दिया दादी माँ हम नानी के घर जाएंगे छुट्टियों में बहुत मजे करेंगे वहाँ पे अरे किसने कह दिया तुमसे कि तुम नानी के घर जा रहे हो कल मामा और पापा बात कर रहे थे हमने सुन लिया सासू माँ मन ही मन बड़ा परेशान हो रही है अरे ये क्या हो गया बहुत तो बड़ा तेज निकली मेरी बेटी के आने का कैंसिल क्या हुआ इसने तो अपने माँ के घर जाने का प्लान बना लिया अब क्या करूं रोज रोहन का नाश्ता खाना सुबह सुबह उठकर कैसे बनाऊंगी सासू माँ के दिमाग में भी कुछ प्लानिंग हो गई कुछ देर बाद जब कृति खाने की थाली लेकर सासू माँ के कमरे में आई तो सासू माँ अपने घुटने पकड़कर कर कराह रही थी अरे माँ जी आपको अचानक से क्या हो गया कुछ देर पहले तो आप भले चंगी थी बहू तुझे तो अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती जो मुझ बुढ़िया का हाल चाल तुझे पता हो कृति का दिमाग झंझनाया जन बुढ़िया माजी, आप कब से बुढ़िया हो गई? हे भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ पूरे मोहल्ले में एक टांग पे घूम घूम कर दिन भर मेरी बुराइया करने वाली माजी, आज अपने घुटने पकड़ कर बुढ़िया हो गई कृति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जारा मेरे घुटनों के लिए कोई तेल या दवा रोहन से कहकर मंगवा लेना हे भगवान मैं तो खरी भी नहीं हो पा रही हूँ सासू माँ को खाने की थाली देकर कृति बच्चों को खाने के लिए बुलाने गई तो देखा वो दोनों अपनी सामान पैकिंग करने में लगे थे अरे भाई ये क्या रहे वो तुम दोनों कहाँ की तैयारी हो रही है क्या मामा आप भूल गए हम नानी के घर जा रहे हैं ना बेटा अभी कुछ बात तय नहीं हुई है अभी आप किसी से कुछ कहना नहीं अरे हमने तो अभी दादी को बता दिया कि हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं नानी के घर जाने के लिए क्या कृति का मुँह खुला का खुला रह गया और उसने माँ जी के घुटने का दर्द का राज भी समझ में आ गया अरे ये क्या कर दिया आप दोनों ने कृति वहीं सर पकड़ के बैठ गई तो बच्चे घबरा गए कि उनसे कोई गलती हो गई है कुछ समय पहले तो जो कृति इतना खुश होकर सपने बुन रही थी अब उसकी आंखों में मायूसी के आंसू आ गए ममा आप इतना परेशान क्यों हो गई? हमें बताओ हमसे क्या गलती हुई है हम उसे ठीक करेंगे कृति बच्चों का मन मारना नहीं चाहती थी और यदि वो सासू माँ के घुटनों के दर्द के नाटक के बारे में बता देती तो बच्चे अपनी दादी को सम्मान भरी नजरों से नहीं देख पाते रोहन के आने पर भी माँ जी का घुटनों के दर्द का नाटक वैसा ही चला रात को कृति ने उनके घुटनों की अच्छे से मसाज की और उन्हें दवा भी दी कृति बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आज वो मायके नहीं जा पाई ये मौका शायद उसे अगले साल ना मिल पाए इसीलिए कुछ तो तरकीब भीरानी ही होगी सुबह को रोहन के जाने के बाद कृति ने बच्चों को कुछ समझाकर तैयार किया और माँ जी को नाश्ते के लिए ड्राइंग रूम में सहारा देकर ले आई नाश्ता करने के बाद माँ जी वही सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी तभी बच्चों ने अपनी नानी को वीडियो कॉल कर दिया कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद बच्चों ने नानी माँ से कहा नानी माँ हमारी दादी बूढ़ी हो गई है और उनके घुटने भी खराब हो गए हैं अब चल भी नहीं पाती है मम्मा उनको पकड़ पकड़ के बाथरूम भी ले जाती है नानी माँ आप हमारी दादी से छोटी हो ना तभी तो आप अभी भी इतनी स्ट्रांग हो आप बूढ़ी नहीं हुई हो अपने पोते और पोती के मुंह से ये सब सुनकर सासू माँ के तन बदन में आग लग गई हर महीने पार्लर जाकर अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने वाली सासू माँ बुढ़ी और बहू की माँ स्ट्रोंग ये कैसा अनर्थ है क्या बोले जा रहे हो तुम दोनों कल थोड़ा सा घुटनों में दर्द हो गया था तो क्या इसका मतलब मैं चल नहीं सकती जी तो हमसे कम से कम पाँच साल बड़ी होंगी लोहा गरम था कृति ने भी हथौड़ा मार दिया आप बिल्कुल सही कह रही हो आपकी जितनी ताकत तो में भी नहीं है और आपकी त्वचा की खूबसूरती क्या ही बताऊ मेरी मम्मी को तो अभी से बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं है इस उम्र में भी लेकिन क्या करें माँ जी बुढ़ापा तो आना ही है अब ये घुटनों का दर्द आपको कहा इतना खूबसूरत और तंदुरुस्त बने रहने देगा कृति ने उदासी भरे स्वर में बहुत दुखी निगाहों से सासू माँ के घुटनों की तरफ देखते हुए कहा अरे बहू कल तूने इतनी अच्छी मसाज की थी कि मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया तू देख मैं अभी तुझे चल के दिखाती हूँ और सासू माँ ने पूरे घर का क्या मस्त चाल में चक्कर लगाया कृति और बच्चों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। वीडियो कॉल अभी भी ऑन था उधर से कृति की मम्मी की आवाज़ आई समधन जी, आप तो बिल्कुल ठीक है ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको वो ऐसा ही चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखे मैं कल दीपक को गाड़ी लेकर भेज देती हूँ कृति और बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाएंगे वहाँ तो आप सब संभाल ही लेंगी सासू माँ जो अब तक अपनी खूबसूरती और तंदुरुस्ती की तारीफें सुनकर फुली नहीं समा रही थी पल भर में ही उनकी सारी खुशी काफूर हो गई। मगर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुप गई खेत मतलब अब वो चाह कर भी किसी बहाने से कृति को मायके जाने से नहीं रोक सकती थी कृति ने मम्मी जी से कुछ कहे सुने बिना ही अपना सम्मान पैक शुरू किया और अगले दिन सुबह सुबह ही कृति का भाई दीपक पहुंच गया और चाय नाश्ते के बाद कृति बरसों बाद अपने मायके में फिर से वही गर्मी की छुट्टियां खुशी खुशी बिताने चली गई तो दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद